ये है हाई फ्रिक्वेंसी ओजोन ट्रीटमेंट मशीन गाइस। तो आज मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा पाएँ। ये हमने अंधेरा किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से इसकी लेज़र किरणें निकलती हैं और जितना हम हाई करते जाएंगे उतना ही बढ़ती जाएगी। आपको रोशनी इसकी महसूस हो रही होगी। और इसको हम, ये बिल्कुल मेरा नॉर्मल पर है। तो इस तरीके से इसको हम, कितने लेवल की हमको ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें हाई लेवल पर इसको लेकर नहीं जाना है। हेलो गाइस, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये मशीन पोर्टेबल हाई फ्रिक्वेंसी लेजर ट्रीटमेंट 006A। गाइस ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग मशीन है और बहुत ही सस्ती भी आती है। सस्ती ही इसको कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगता है तो इतना। और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गाइस, और मेरी इस मशीन को कम से कम 8-9 साल हो गया और कभी भी ख़राब नहीं हुई। मशीन हमारी वैसे ही काम कर रही है। तो लेजर ट्रीटमेंट यूवी किरणों के द्वारा फेस का और हेयर फॉलिंग संबंधी, तो मेन हमारा ये होता है, इसके अंदर फिट किया जाता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट ये कॉम्ब है, हेयर फॉलिंग या हेयर से समस्या जो भी होती है वो इससे होता है। और ये हमारे फेस के डार्क स्पॉट वगैरह रिमूव करने के लिए होता है और मसाज के लिए होता है। और ये हमारा होता है हमारे फेस पर, जैसे एक्ने दाने वगैरह हो जाते हैं उसके लिए होता है। और ये हमारे आइस एरिया के लिए और भी फेस के लिए होता है। ये बहुत ही मैजिकल मशीन है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे हम बहुत ही सारे ट्रीटमेंट्स इससे दे सकते हैं, चाहे पिगमेंटेशन का हो, दाग धब्बों का हो, एक्ने मुहाशे वगैरह का हो, तो बहुत ही अच्छा दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मशीन है और उतना ही कैरी करना आसान है क्योंकि मुझे 8-9 साल हो गए। आप लोग देखिए सेम टू सेम वैसे ही बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको इस्तेमाल करना बताऊंगी क्योंकि कोई अभी क्लाइंट के ऊपर मैं नहीं कर रही हूँ, अपने ऊपर ही बताऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो गाइस ये हमने मशीन लिया हुआ है और इसको यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं, आपको आवाज़ आई, यहीं से बंद कर सकते हैं। और इसी से हमें जितना बढ़ाना है जितना घटाना है इसी से ही कर सकते हैं। तो ये हमने लिया है मसाज वाला इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे, क्योंकि ये कांच का है तो थोड़ा सावधानी के साथ में इसमें थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है। इस तरीके से ये रेडी हो गया और इसका मैं, ये प्लग है, इसको मैं लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देखिएगा कि इसमें लाइट आएगी, एकदम किरण बन के आएगी। ये आप देखिए रेड कलर का, ये मैंने बंद कर दिया और ये मैंने ऑन कर दिया इस तरीके से। तो इससे किरणें निकलना शुरू होती है। तो इसका इस्तेमाल हमको तब करना होता है जब हम लोग क्लीजिंग कर लें, स्क्रबिंग कर लें, क्रीम से मसाज कर लें, और जब हम जेल से मसाज कर रहे हैं उस समय हमें इस इंस्ट्रूमेंट से, जिनके चेहरे पर प्रॉब्लम्स हैं, छाइयां हैं, दाने हैं, एक्ने हैं, और वो लोग अगर लेजर ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो इससे किसी भी तरीके का करंट नहीं लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इससे कोई भी परेशानी नहीं होती, बड़ी नॉर्मल तरीके से हो जाता, पता ही नहीं चलता है। तो ये करने में भी बहुत आसान है और इसके प्रभाव बहुत ही अच्छे हैं। कुछ ही दिनों में इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, चाहे वो स्किन टाइटनिंग की समस्या हो, स्किन लूज की समस्या हो, हर तरीके से इससे हमें छुटकारा मिलता है। तो आइए मैं आपको फेस पर अपने जेल लगा करके इसको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो स्टार्ट करती हूँ।
तो मैंने ये जेल लिया है, इसे अपने फेस पर मैं अप्लाई कर लूँगी आप लोगों को दिखाने की वजह से। तो मैं इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और मैं आज आपको ये फेशियल वाला इंस्ट्रूमेंट ही करके बताऊँगी, और सारी चीज़ों को मैं आपको, जो इसमें चार पार्ट्स हैं उनको मैं आपको धीरे धीरे से बताऊँगी। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ, और अब मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा रेड कलर ये आने लग गया। तो इसको हमें एक सीमा तक ही इसका हम पावर बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल मोड पर है, इसके बाद जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आवाज़ आएगी। आप लोग सुनिए, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, इस तरीके से इसमें आवाज़ आती है। और ये देखिए, मैं इस तरीके से, आप लोग देखिएगा ये, तो इस तरीके से किरणों से हमारा, क्योंकि ये मेरा हाथ सूखा हुआ है तो ये बिल्कुल खिसकने वाला नहीं है, चिपक रहा है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रही हूँ। फेस पे मेरे जेल लगा हुआ है, तो बिल्कुल नॉर्मल मोड पर रख करके इस तरीके से फेस पर हमें बोल सर्कुलेशन में, और ये हमारी जॉ लाइन है, यहाँ पर स्किन लूज होती है, तो इस तरीके से हमें मसाज देना है। इस तरीके से ये हमारा एरिया है, और ये डबल चिन होता है, तो इस एरिया पर भी हमको मसाज देना है। और ये पूरा हमें अपने गालों को इस तरीके से कवर करते हुए, झुर्रियों वगैरह के लिए इस तरीके से, तो हमें दोनों ही साइड से इसको देना है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हमको इसका टेम्परेचर लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये नॉर्मल तरीके से हमारे स्किन पर, और 10 मिनट से ज़्यादा हमको इसकी मसाज नहीं देना है। तो इसके और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मैं आप लोगों को आगे वीडियो बना के बताऊंगी। तो आप लोग इसको अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। और इसके बहुत ही, आप इसको घर पर कर सकते हैं, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग इस तरीके से इसको कीजिएगा, इसके बहुत ही अच्छे आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपकी जो भी समस्याएँ आप लोग घर पर ही इसको दूर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पार्लर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए गाइस, और इसे बहुत ही जल्दी ग्लो भी आना स्टार्ट हो जाता है।